तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को इस फ्रेश मॉर्निंग एंड स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड के साथ जो है जर्मन शेफर्ड। सो फ्रेंड्स, ये जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट में है और कलर भी काफी डार्क है, और इसमें जो मुझे सबसे मस्त चीज लगी वो है इसका ब्लैक फेस। तो दोस्तों, आप में से जो लोग भी ब्लैक मास्क वाले जर्मन शेफर्ड को पसंद करते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। वैसे दोस्तों, जिन जर्मन शेफर्ड के फेस टैन कलर में होते हैं, अगर उनके कंपैरिजन में देखें तो ब्लैक मास्क वाले जर्मन शेफर्ड की डिमांड काफी ज्यादा होती है। वैसे इस चीज का पता हमें इसी वीडियो में लग जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आप लोगों को ब्लैक फेस वाला जर्मन शेफर्ड ज्यादा पसंद है या ब्लैक एंड टैन फेस वाला। वैसे दोस्तों, ये जर्मन शेफर्ड एक्सीलेंट क्वालिटी में है और इस डॉग में आप लोगों को एंगुलेशन भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जर्मन शेफर्ड केसीए रजिस्टर्ड भी है, तो इसके पेपर्स वगैरह आप लोगों को ऑन डिमांड मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो ऐसे ब्लैक कलर के जर्मन शेफर्ड पपीज आप लोगों के पास भी हो सकते हैं। डोंट वरी, मैं आप लोगों को कहीं से पपीज को परचेज करने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि पपीज आप लोगों के खुद के पास होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मंजी कैसी बातें कर रहा है, पपीज हमारे पास कैसे हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, धैर्य रखो, इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो जर्मन शेफर्ड है, ये सेल के लिए नहीं बल्कि स्टड सर्विस के लिए अवेलेबल है। तो गाइस, जर्मन शेफर्ड एक कॉमन डॉग ब्रीड है जो आप लोगों को हर किसी के पास देखने को मिल जाएगी, बट टाइम पर एक अच्छा स्टड मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे जिन लोगों की फीमेल हीट पर आई हुई है या फिर नियर हीट है, उनके लिए तो बेस्ट चांस है, लेकिन अगर आप लोगों की फीमेल अभी हीट पर आने में काफी टाइम है, तो आप लोग डॉग ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके रख लें, भाई आगे फ्यूचर में आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। वैसे दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को इस डॉग का रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये जो पपी आप लोग अभी देख रहे हैं, ये इसी का है। तो पपी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये भी लॉन्ग कोट में है। और अगर आप लोगों के पास केसीए रजिस्टर्ड फीमेल है, तो भाई ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही केसीए रजिस्टर्ड होने के साथ साथ आप लोग पपीज के पेपर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस डॉग का मैटिंग चार्ज क्या है, उसके बारे में बात करने से पहले, ये है हमारी कल की वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है सुशील कुमार, सेकंड है कुलदीप सिंह एंड थर्ड है नरेश लांबा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस डॉग की एज बता देता हूँ। तो गाइस, ये जो जर्मन शेफर्ड है, ये 16 मंथ का हो चुका है और इसका जो लीटर साइज है वो 9 पपीज का है, और इसकी जो लोकेशन है वो है फरीदाबाद हरियाणा से। तो फ्रेंड्स, मैटिंग चार्ज में आप लोगों को दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप लोग पपीज पर मैटिंग कराना चाहते हैं, तो उस पे आप लोगों को 200 रुपीज एंड प्लस चेक देना पड़ेगा, और अगर आप लोग कैश में कराना चाहते हैं, तो उन्होंने जो कैश की डिमांड की है वो क्या है 10,000 रुपीज यानी 10,000 रुपए, लेकिन ऑन द स्पॉट प्राइस थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो इस बारे में आप लोग डॉग ओनर से जरूर डिस्कस करें। एंड दोस्तों, प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी पसंद आए, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।